प्रणाम दोस्तों, जय हिंद जय केदार। ये व्लॉगिंग शुरू कर रहे हैं हम, ठीक है। तो अभी हम देहरादून से निकल रहे हैं, हमारा पहला स्टॉप है रामनगर, हमारी कुमाऊं की ट्रिप है। मेरे साथ हैं बनारस से अकेला मुसाफिर उर्फ रवि सिंह जी। तो अभी हम हरिद्वार के रास्ते में हैं, ये देख लो, अभी हाईवे के साइड में गाड़ी रोकी है क्योंकि हमसे गोप्रो का कार्ड फॉर्मेट नहीं हो रहा था। तो अभी हम चलते हैं आगे, आपको दिखाते रहेंगे, बड़ा मस्त व्लॉग आने वाला है, देखते रहो। बहुत ही खूबसूरत रोड, मजा आ गया। हम वो पहले नहीं थी रोड ऐसी, पहले ना देहरादून से हरिद्वार जाने में लगते थे करीबन 2 घंटे। अब इतना बढ़िया हाईवे हो गया है कि 1 घंटे में पार हो जाता है, मतलब ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं हरिद्वार। बाबा लोग, हरिद्वार, हरिद्वार को उत्तराखंड का गेटवे भी कहते हैं और हरिद्वार भारत की 4 उन पावन नगरियों में से एक है जहाँ पे अमृत की बूंदे गिरी थी। तो आप कभी भी उत्तराखंड आए, आपको हरिद्वार जरूर आना है। हरिद्वार से ही आप आगे चार धाम भी जाते हैं। अभी हम देहरादून से रामनगर जा रहे हैं तो यहाँ पे भी हमको हरिद्वार होते हुए जाना पड़ रहा है। सुंदर ये हमारे भगवान विष्णु का शहर या शिव जी का शहर, गंगा माता का शहर, किस किस का शहर नहीं है। पर देखिए देवी माँ का मंदिर सिद्धपीठ में से एक है वो भी। बोलो हर हर गंगे, हर हर गंगे। तो भाई लोग, ये है हरिद्वार का चंडी देवी चौराहा, इसमें आप सीधे निकल जाएंगे दिल्ली के लिए। हम उड़ रहे हैं बाई तरफ और हम निकल रहे हैं उत्तराखंड के कुमाऊं रीजन की तरफ। देखो नीचे माँ गंगा है, माँ गंगा का आशीर्वाद लेते हुए हम जा रहे हैं। जय हो माँ गंगा। हेलो, अभी हम पहुंच गए हैं कुछ देख रहे आप संधू ढाबे में। सुबह से कुछ खाया नहीं तो चल रहे थे लगातार गाड़ी चलाते चलाते थक भी गए। अभी हम काशीपुर पहुंचने वाले 10 किलोमीटर पहले, तो यहाँ पे खाना खुना करेंगे और उसके बाद चलेंगे हम रामनगर। तो भाई लोग, हमने मंगा दिया खाना, सिंपल सा खाना, देखो दाल चावल दाल भात पावर 24 आवर। कम्मो भी खा रही है, कम्मो ज़्यादा खा रही है, आज इसको कम खिला रहा हूँ मैं क्योंकि इसका पेट बहुत मोटा हो गया, तो इस ट्रिप पर इसको इसका वजन कम करके देना है। चलो खाना खाते हैं, इसके बाद मिलते हैं। और लोग, मैंने तो खा दिया फटाफट, है ना, देखो मेरी थाली खत्म। ये देखो ये मोटा खा ही रहा है, अभी भी खा रहा, दबा के खा रहा है, बहुत पेट किया मैंने। कई बाद में स्टार्ट नहीं किया, ये खा रहा है दबा के, इसका पेट मोटा हो जाएगा, फट जाएगा एक दिन। देखो दाल, देखो चावल कितना, दाल देखो कितनी ले रहा है। तो अभी हम थे, अभी इसके बाद अराउंड कितना ड्राइव बचा है, 45 मिनट्स बचा है, तो 45 मिनट्स के बाद हम पहुँचेंगे रामनगर। तो गाइस, खाना तो खा दिया है, दाल भात खाया, बट खाना ना ढाबे में ही खाना चाहिए, सही बात, कुछ ज़्यादा बढ़िया रहता है। भैया ने बोली ये कम्मो को पसंद है इस रेस्टोरेंट में खाना, आगे से मैंने इसको ढाबे में ले आना। पेट देख रहे हो, मेरे को नहीं पसंद है गाइस, पेट देख रहे हो, इनको पसंद है। मैंने कहा था ये तो ढाबा है, मैंने कहा था मैं तो गढ़वाली ढाबे पे रुकना चाह रहा था, इसको गढ़वाली पसंद ही नहीं है, साले को गाने भी नहीं सुनने देता गढ़वाली। नहीं नहीं नहीं, क्या ये गरम के फेंक रही है, आएगा धीरे धीरे आता है साले, धीरे धीरे आता है, इतना धीरे तो उल्टो भी नहीं आता भाई। दिन बहुत क्या बोलते, दोपहर में गर्मी देख रहा था, बोनट सब गर्म हो चुका है कुछ नहीं गाइस, ये इन्होंने हीटर पे डाल रखा था। तो मेरे को हीटर पे डाल के अरे गर्म हवा फेंक रहे, अब देख देख ठंडा लग गया, अभी ठंडी पे हुआ, ठंडा आएगा ना धीरे। देख यार, धूप में रखी थी वो गाड़ी, उसमें गर्म का हाथ आ गया, तो बहाने गाइस बहाने। गर्मी का महीना चल रहा है भाई लोग, देखो मई 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 नहीं है ना, अच्छा अप्रैल चल रहा है, लास्ट मई आने वाला है, बहाने देखो व्यू, देखो व्यू देखो आगे, सब बढ़िया लग रहा है, हम पहुंचने वाले हैं रामनगर। अभी तक ये ब्लोवर पे था, अभी देखो ये ऑन नहीं था, ऑन था, ये मैं बता रहा हूं आप लोगों को, ऑन था ये, तब से मैं कहूं क्यों नहीं आ रही, अच्छा, यार। और निकल के मैं तुझे गर्म हवा क्यों आ रही तब से भाई,
एक तो वो ऑन था मेरा, इसने गाइस सुनो, बाबा लोग सुनो, मेरा ऑन था किया हुआ, इसने उसको क्या बोलते हैं ऑफ किया, और फिर सिर्फ कि व्लॉग में ऐसा आएगा इसके लिए उसने ये किया। भाई लोग बस रामनगर रह गया है, 5-6 किलोमीटर शायद है ना। हाँ। बस हम पहुंचने वाले हैं अब रामनगर, बहुत लंबा जर्नी हो गया, अब थोड़ी देर में रामनगर पहुंच जाएंगे। आपका हार्दिक स्वागत है रामनगर में, आपका हार्दिक स्वागत है, धन्यवाद। तो अभी हम रामनगर पहुंच गए और यहाँ पे हमारे मित्र हमें मिले हैं, वासु भट्ट जी। हेलो गाइस, ये रहे वासु भट्ट जी। वासु भट्ट जी, हम आपके रिसोर्ट में जा रहे हैं, इन्होंने हमको इनवाइट किया, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने रिसोर्ट का नाम बताओ। मेरे रिसोर्ट का कॉर्बेट जंगल ट्रेजर। कॉर्बेट जंगल ट्रेजर जो कि रामनगर में है, आप इधर आके अच्छे से रुक सकते हैं। अभी थोड़ी देर में आपको रिसोर्ट दिखाते हैं, चलो। तो गाइस हम रामनगर पहुंच गए और जिस प्रॉपर्टी में हम रुक रहे हैं उसका नाम है जंगल ट्रेजर रिसोर्ट। अभी आपको दिखाता हूं हमारा रूम कैसा है, चलो। ये देखो अभी बैग था कैसी पड़ा है मेरा और कम्बो का, ये बेड है, टीवी भी है यहाँ पे, वो चाय वाय पीनी है तो चाय पी सकते हो, ये मिरर शीशा, आप लोग भी शीशा ही बोलते हो इसको, लोग बाथरूम भी दिखाते हैं ना, तो बाथरूम भी दिखाते हैं हम लोग। ये बाथरूम का शीशा है, इधर मैं नहाऊंगा, मेरे साथ वाला रवि तो नहाता नहीं है, इधर रखने के लिए। फिर से रूम दिखा देता हूँ आपको, ये रहा हमारा रूम, और इधर से अपन बाहर निकलते हैं, इधर बैठ सकते हैं। ये रिज़ॉर्ट के सामने बहुत ही सुंदर सा है, इधर स्विमिंग पूल वगैरह भी है, अभी थोड़ी देर में आपको हम दिखाते हैं इसका सब चीज़। सुबह वालों, अभी हम रिज़ॉर्ट में थे, अभी हम शूट कर रहे थे रिज़ॉर्ट का, रिज़ॉर्ट के लिए एक वीडियो बनानी थी वो कर रहे थे। ये मेरे पीछे आप देख रहे हो यही रिज़ॉर्ट है, पीछे मस्त फूल फूल वगैरह रहे हैं, हमारी कम्बो यहाँ पे है। इधर से देखो आप व्यू जो देख रहे हो, बहुत ही सुंदर नदी के पास ये व्यू है, ये पूरा इधर कॉर्बेट वगैरह है, पूरा कॉर्बेट नेक्सर पार्क है। इधर से आप ऊपर होते हो और यहाँ पे आपको मिलता है स्विमिंग पूल, तो आप ये स्विमिंग पूल भी देख सकते हो, देख क्या सकते हो, इसमें नहा भी सकते हो, तो स्विमिंग पूल में आप नहा सकते हो, जो करना है कर सकते हो, बस उसे नहीं करना है स्विमिंग पूल के अंदर, क्योंकि और लोग भी नहाते हैं, ठीक है। एक और स्विमिंग पूल है, वो पहाड़ी स्विमिंग पूल है, वो उधर नदी है, वहाँ भी हम जाएंगे कल। ये एक रिज़ॉर्ट का दूसरा सीन है, ये इधर एक दूसरा रिज़ॉर्ट है, मतलब एक ही रिज़ॉर्ट है, इसके दो दो इसके दो पार्ट हैं बेसिकली। बोल रहे कहते हैं, हाँ। कहते हैं भट्ट जी कि केदारवासी ने आपको टैग किया, हाँ। और मैं कहा कि ये फोटो में तो बिल्कुल नहीं, ये तो आया नहीं, मैंने इसलिए फॉलो नहीं किया। झबरा लग रहा है ना, वहाँ सुबह झबरा लगता है ना एकदम, हाँ। हाँ। मोटा भी हो रखा ना मोटा हो गया, बहुत बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा हो गया मोटा। वासु भाई कब बनाई थी अपनी प्रॉपर्टी? ये 2013 में बनी थी प्रॉपर्टी, 2013 में, उससे पहले हमारा वो सामने वाला था। ओ, सही जो सही हमने सही। वो 2008 में, ये जो पीछे वाला है नया बनाया ना, ठीक है, रेडी है? हाँ। है हिरन आ गए, बहुत दूर है, इससे नहीं दिखेगा आपको, पर आ गए हिरन, चल तू स्टार्ट तो कर। 3-2-1 गो। शिव की नगरी काशी से मैं हूँ रवि सिंह। ये देखो नहीं हो रहा इसका, देख लो देख लो, नहीं हो रहा इसका, ये आए बड़े इन्फ्लुएंसर, नहीं हो रहा इसका। ये रात का रामनगर है, अभी हमको डर है कि बाघ आ सकता है। हमारे साथ भट्ट जी हैं, पीछे दिखाओ भट्ट जी को। हेलो, भट्ट जी रामनगर से हैं और भट्ट जी बोल रहे थे कि यहाँ कभी भी बाघ आ जाता है। इसी रोड पे मेरे को बाघ दिखा है, और वो भी तीन बाघ दिखे एक साथ, तीन बाघ एक साथ दिखे हैं बाबा लोग। आगे देख रहे हो, सुनसान रास्ता है, रात के करीबन 10 बज चुका है, और अभी हमें ये भी डर है कि कहीं साला बाघ ना आ जाए रास्ते में। और भट्ट जी बोल रहे हैं, भट्ट जी और डरा रहे हैं कि बाघ आता है। ये गाइस G20 के लिए अभी जस्ट बना है, और बहुत शानदार रोड बन गया यार, इतना सेक्सी रोड बन गया है। उत्तराखंड की सारी ग्रेविटी करी उत्तराखंड की लोकल। हमने खाना खुरा खा दिया है, शाम को हम बहुत घूमने भी गए थे, बाजार भी गए थे, वहाँ घूम घाम के आए बैराज वगैरह। अभी हम खाना खुना खा के बहुत थक गए हैं, आज बहुत शूट भी किया प्रॉपर्टी का, तो उसमें करीबन 2-3 घंटा लग गया। और अभी देखो कम्मो बहुत स्ट्रगल कर रहा है, क्योंकि इस रूम का दरवाज़ा पता नहीं है, हर रूम का खुल रहा है, बस हमारे रूम का जैसी हमारी किस्मत भी है, खोल ही नहीं पा रहा है, खोल ही नहीं पा रहा है। कम्मो खोल ले, सही में नहीं खुल रहा। अभी तो दरवाज़ा नहीं खुला है, तो मुझे लग रहा है कि थोड़ी देर हमें, मुझे लगता है यहीं बाहर पे रहना पड़ेगा, तो जब तक दरवाज़ा खुलता है हम ट्राई करते हैं, खुल गया तो ठीक है, नहीं तो आप लोगों को गुड नाइट।
चलो गाइस, तो ये था आज का ब्लॉग। आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। कमो भाई बोल दे, कमो भाई तो बोल दे। ये था इसका कुमाऊं ट्रिप का पहला ब्लॉग। होपफुली आपको पसंद आया हो। आगे और एक्साइटिंग कंटेंट है, उसको भी देखते रहना। बाकी जय हिंद, जय केदार, धन्यवाद। सब्सक्राइब, क्या बोलते हैं, लाइक लाइक सब्सक्राइब शेयर और बेल आइकन दबा देना। थैंक यू सो मच। चलो बाय बाय।